प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे पर बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कानपुर थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट पर होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। साथ ही हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी यहां बैठक में आना था, लेकिन अब उनकी जगह पर जो खबर आ रही है डिप्टी सीएम सुशील मोदी यहां पर आएंगे बैठक में। दोपहर में पीएम मोदी क्रूज से गंगा दर्शन भी करेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ऐसे में एक बार फिर से इस पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं कानपुर में। और एशिया का जो सबसे बड़ा नाला यहां पर है उसे दरअसल बंद किया गया है और अब वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। उससे एक तरह से कह ले कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गंदगी, जो कूड़ा कचरा गंगा नदी में जाता था, उसे रोकने की कोशिश की गई है। 2014 में शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री बनने के बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। परियोजना की अवधि 18 साल है। 2019-20 में सफाई का 20,000 करोड़ का बजट भी दिया गया था। नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक है, बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आ रही है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आगे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, इस वक्त जहाँ वो गए हैं क्या वो किसी तरह का म्यूजियम है या फिर क्या आगे किस तरह का कार्यक्रम है उनका, बताएं। देखिए श्वेता, ये चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है जहाँ गंगा काउंसिल की मीटिंग के पहले वो तमाम वो फोटोग्राफ्स और वो नमामि गंगे से जुड़ी हुई कई चीजें वहां रखी हुई हैं, जिससे प्रधानमंत्री जिसका मुआयना करेंगे। दरअसल एक प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है कि किस तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक जो ये पूरी योजना चल रही है उसके बारे में सचित्रण किया गया है, चित्र रखे गए हैं जिसका सचित्र विवरण वहां रखा हुआ है। प्रधानमंत्री को इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पूरे इलाके का मुआयना करा रहे हैं। आप जानती होंगी कि किस तरीके से जो गंगा प्रोजेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक का है और पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से वहां डेरा डाल रखा है इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तमाम वो राज्य जो गंगा काउंसिल में है उन्हें बुलाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आ रही है। साथ साथ जो रघुवर दास है झारखंड के सीएम, वो भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। नीतीश कुमार की जगह जो हमारी जानकारी है वहां सुशील मोदी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन तमाम राज्यों की का रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री जिस चीज का मुआयना कर रहे हैं वो नमामि गंगे से जुड़ी हुई चीजें हैं।